तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम लोगों के। तो गाइस आज की वीडियो में लेके आया हूं आप लोगों के लिए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में स्टैचूज, जिसके अंदर काफी अलग अलग वैरायटीज के तुम लोगों को स्टैचू देखने को मिलने वाले हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होना और काफी ज्यादा ऑसम बना सकते हो तुम अपने माइनक्राफ्ट को, और भी ज्यादा डेकोरेटिव बना सकते हो अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को। तो या गाइस, और तुम लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने काफी सारे दिनों से वीडियोस नहीं डाली है, काफी ज्यादा इनएक्टिव इन कुछ दिनों से। तो कोशिश करेंगे कि आज से और अभी से डेली वीडियोज आने वाली है, ट्राई करते हैं फिर से वापस से एक्टिव होने का उसी तरह से। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। तो गाइस सबसे पहले तुम लोग को यहाँ पे हो जाना है वर्ल्ड के अंदर स्पॉन, एंड अगर तुम लोग क्रिएटिव हो तो तुम लोग सारे के अंदर सारे के सारे मिल जाएंगे स्टैचूज, जो कि तुमको क्रिएटिव में देखने को मिल जाएंगे। तो काफी सारे स्टैचूज है तुम लोग जिसको सिर्फ क्रिएटिव से ले सकते हो, लेकिन काफी सारे स्टैचूज है जिसको तुम क्राफ्ट कर सकते हो फ्री सर्वाइवल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्टैचूज लेने वाले हैं, इन स्टैचूज के अंदर तुम लोग काफी सारे अलग टाइप की वैरायटी मिलने वाली है, जैसे चाहे वो आइस का स्टैचू हो गया, या फिर अपना नेदर क्वार्ट्ज़ का स्टैचू हो गया, ब्लैक स्टोन का स्टैचू हो गया, स्टोन का स्टैचू हो गया, ओर का स्टैचू हो गया, एंड काफी अलग टाइप के स्टैचूज तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कॉपर का, एमेस्ट का, सार्ट का, या फिर बहुत सारे अलग टाइप के अलग अलग मटेरियल से बने हुए स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे। ये तुमको नीचे की ओर तो देखने को मिलेंगे, साथ में ऊपर के तुम्हारे स्पॉन एक का सेक्शन होता है वहां पे भी तुमको काफी सारे अलग टाइप के स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे। तो उन सभी को तुम लोग यूज कर सकते हो, एंड काफी अलग टाइप के शेप होंगे, काफी अलग टाइप के साइज होंगे। एंड अभी देख सकते हो हमारे पास है एमिस्ट का, यहाँ पे देख सकते हो वुल्फ का स्टैचू, एंड ये काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम लोग इसको डेकोरेशन यूज करते हो बना करके काफी ज्यादा ऑसम लगेगा। बाकी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ ब्लैक स्टोन के अंदर एक वाइन्स का ढका हुआ एक स्टैचू देखने को मिल जाएगा। एंड एंडर ड्रैगन का स्टैचू तो मेरे को सबसे ज्यादा ऑसम लगता है देखने में, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे क्या ही मस्त लुक आता है एंडर ड्रैगन के स्टैचू का। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको लगा दूं तो यहाँ पे देखो एक और एंडर ड्रैगन का स्टैचू काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है, एंड ये वाइन से ढका हुआ एंडर ड्रैगन का स्टैचू और भी ज्यादा ऑसम लगता है। बाकी यहाँ देख सकते हो ये डायमंड का बना हुआ स्टैचू लग रहा है देखने में, एंड ये काफी ऑसम लग रहा है मेरे को तो। एंड बाकी यहाँ पे तुम लोग देखो एक यहाँ पे अपना स्टोन का स्टैचू भी देखने को मिल जाएगा, वेदर का तुमको देखने को मिल जाएगा, कॉपर का स्टैचू, यहाँ पे टर्टल देख सकते हो, यहाँ पे पूरे केक से ढका हुआ एक टर्टल का स्टैचू देखने को मिल रहा है हमें। एंड ये है अपना क्रिस्बिन शार्ट का एक स्टैचू जो कि ट्राइडेंट लिए हुए है, एंड ये अपना आइस का स्टैचू, एंड ये देख सकते हो काफी अलग अलग टाइप के स्टैचू यहाँ पर तुमको देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग टाइप के मटेरियल से बने होंगे। एंड थोड़ा सा और स्टैचू को टेस्ट करके देखते हैं काफी ज्यादा कैसा लुक आता है। यहाँ पे तुम लोग देखो ये अपना कुछ नेदराइट के ऑर्ड से बना हुआ शायद स्टैचू लग रहा है देखने में। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये यहाँ पे मॉसिको स्टोन से बना हुआ है, ये ब्लैक स्टोन से बना हुआ इधर, एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कॉपर से बना हुआ ये स्टैचू है। एंड यहाँ पे तुमको व्हाइट टर्टल भी देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के टर्टल जो भी तुमको पसंद है भाई बना दो डायलॉग सीधा। एंड यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएंगे काफी सारे एमएस शार्ट के भी टर्टल, एंड काफी सारे अलग अलग टाइप की चीजें। तो कुछ लेते हैं मूव्स, एंड देखते हैं कौन कौन से है, देखते हैं कौन सा मूव और हमें मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे ये पता नहीं कौन सा भाई, ये तू कौन सा भाई, ओके। तो यहाँ पे स्केलेटन का भी स्टैचू देखने को मिल जाएगा तुमको, एंड यहाँ पे आयरन गोलम भी तुमको देखने को मिल जाएगा। चलो इसको भी लगा के देख लेते हैं। यहाँ देखो ये अपना व्हाइट कलर का स्टैचू जो कि अपना प्लेयर का स्टैचू है, एंड यहाँ पे देखो ये अपना एंडर ड्रैगन का तुम लोगों ने देख लिया होगा स्टैचू को, एंड ये काफी बड़ा स्टैचू है, मेरे को काफी मस्त लगती है ये स्टैचू। एंड बाकी तुम लोग इसको अगर तोड़ना चाहो तो तुमको जस्ट एक स्वॉर्ड लेनी है, दो चार हिट मारना तुम्हारा स्टैचू टूट जाएगा आराम से, एंड तुमको उसको वापस से रिप्लेस कर सकते हो। देन ये अपना स्पाइडर का स्टैचू देख सकते हो, एंड ये अपना कॉपर का जो कि अपना स्क्विड होता है उसका स्टैचू, ये देखो अपना विदर का स्टैचू जो ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, एंड ये एमिस्ट के शार्ट से बना हुआ पांडा का स्टैचू काफी ऑसम लग रहा है देखने में। एंड ये अपना पता नहीं देखो ये अपना स्टैचू तुम लोग देख लिया है, बाकी देखो ये अपना और पांडा, एंड ये और पांडा मेरे को काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है, देख रहा डायमंड की ओर से बना हुआ एक पांडा है। चलो अभी जान लेते हैं तुम कैसे इंपोर्ट कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट में, किस तरह से प्ले कर सकते हो। तो पहले इंपोर्ट कर लेना, जस्ट तुमको डाउनलोड करना है फाइल को, एंड इंपोर्ट कर लेना अपने माइनक्राफ्ट में, क्लिक करके ओपन करके एंड्रॉइड डाटा में जाकर पेस्ट कर देना, एंड अपने बेयर पैक में जाकर पेस्ट करके इंपोर्ट कर लेना अपने माइनक्राफ्ट में। देन तुमको एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना है, एक्सपीरियंस ऑन करना मत भूलना, डायरेक्ट जा रहे एक्सपीरियंस ऑन कर देना, रिसोर्स पैक में जाना, सिंपल रिसोर्स पैक को एक्टिव करना, तुम्हारा ऑटोमेटिकली बियर पैक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सीधा रिसोर्स पैक एक्टिव करना, एंड बियर पैक में तुम्हारा ऑटोमेटिक एक्टिव होगा, सिंपल कर देना वर्ल्ड को क्रिएट। और हाँ, जब तक अभी आप लोग वर्ल्ड हो रहा है ना क्रिएट, आप लोग कर दो ना एक वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके बजा दीजिएगा इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए। और हाँ, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, तब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी क्राफ्टिंग रेसिपीज क्या है, क्योंकि इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी काफी ज्यादा ईजी है, तो आप सब लोग बना सकते हो, वैसे ज़्यादा ईजी भी नहीं है। चलो देखते, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अगर तुम लोग क्राफ्टिंग टेबल रेसिपी जानना चाहते हो तो तुमको याद तो होगी नहीं हर एक क्राफ्टिंग टेबल की रेसिपी, तो क्या तुम कुछ नहीं करना, सिंपल अपना गेम मोड करना इस टाइप से सर्वाइवल, एंड यहाँ सर्वाइवल माने के बाद तुमको जस्ट एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए होगी। तो मैं क्राफ्टिंग टेबल ले ही लेता हूँ यहीं सर्वाइवल से ही, क्रिएटिव से लिया नहीं मैं यहीं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक पेड़ तोड़ देते हैं, इसका क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं सिंपल, एंड यहाँ देखो मैंने इसको क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, एंड इस क्राफ्टिंग टेबल के अंदर तुमको सारी सारी स्टैचूज की रेसिपी मिल जाएंगी। हाँ, कुछ कुछ स्टैचूज तुमको क्राफ्टेबल नहीं होंगे तो वो तुमको इसमें नहीं देखने को मिलने वाले, बाकी कुछ कुछ जो जो क्राफ्टेबल होंगे वो तुमको देखने को मिल जाएंगे। जैसे देख सकते हो इतने सारे स्टैचूज यहाँ पर क्राफ्टेबल है, एंड ये सारे तुम लोग देख सकते हो कॉपर आ गया, एंड यहाँ पे जो भी अपना एमिस के साथ या फिर अलग टाइप के जो भी चीज़ बने हुए सारे स्टैचूज यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो कि वाइन्स वगैरह से बने हुए। तो देख सकते हो पेडेस्टल तो कुछ स्टैचू बना सकते हो, देन कुछ ये सारी स्ट्रक्चर को रखने हैं, एंड ये सारी चीज़ों को रखने के बाद तुम लोग उस टाइप से स्टैचूज बना सकते हो जो भी तुम्हारा फेवरेट स्टैचू हो, बस तुमको उसके आइटम रख देना है, जैसे तुम उस आइटम को रखोगे तुम्हारा बन जाएगा स्टैचू।
एंड काफ़ी ज़्यादा इजी है स्टैचूज बनाना। बट ये पेडेस्टल का प्रेस भी थोड़ा सा महंगा है, एक डायमंड लग रहा है बस, बाकी तुम लोग जो चाहे वो बना सकते हो। एंड ये घोड़े वाला स्टैचू बनाने का तुम लोग रखना पड़ेगा, उसको फर्नेस के अंदर डाल देना पड़ेगा, तब जाकर तुम लोग बना सकते हो घोड़े वाले स्टैचू को भी। तो ये काफ़ी मस्त है, फर्नेस में अलग ही लुक मिल जाएगा इसको, तुम लोग इसकी वेबसाइट को जो है चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए वहाँ पर तुमको अच्छे से समझा दिया गया है कि इस तरह से तुम उसको बना सकते हो। बाकी तो तुम लोग देख लिया सारे के सारे रेसिपीज, एंड इसमें थोड़ा सा और भी स्ट्रक्चर्स है, स्टैचूज है जो कि तुम लोग क्रिएटिव में ही ले सकते हो, तो वो भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, तो उसको भी मैं दिखा ही देता हूँ तुम लोगों को। चलो उसके चलते फिर से ज़्यादा सर्वाइवल क्रिएटिव में, एंड क्रिएटिव में जाकर कुछ और स्ट्रक्चर्स निकालते हैं एंड देन टेस्ट आउट करते हैं कैसा दिखते हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स। तो अभी देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कुछ अपना एंटरमैन के स्टैचू, ये एंटरमैन के स्टैचू काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है देखने में। एंड यहाँ पे देखो ये तुमको एंड स्टोर में भी देखने को मिल जाएगा, कॉपर में भी देखने को मिल जाएगा, या देखो तो ये कॉपर का कुछ स्टेप का। एंड ये अपना घोड़ा का स्टैचू है, चाहे घोड़ा काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा, इसमें डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हो, एंड तुम उसको जिधर से चाहो उधर से मुड़ा के लगा सकते हो, चाहे टेढ़ा हो सीधा हो किसी टाइप से लगा सकते हो। क्रीपर के स्टैचू, चिकन के स्टैचू, ऐसे तो ये एंडमैन के स्टोन के स्टैचू, कोई भी टाइप के स्टैचू को लगाओ जिस तरह से लगाने का मन है। बाकी गाइस आज के लोग बस इतने, अगर आप लोग बढ़िया लगे हो लाइक करके जाएगा, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करके जाएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल करके बजा दीजिएगा। और हाँ, अभी तक अपना इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लोग बस इतना ही, मिलते हैं एपिसोड में, तो बाय गाइस एंड टेक केयर गाइस।